Good evening, everyone. So we were discussing the marathon session on building material. सारे building materials हमारे covered हो गए हैं. एक आखिरी building material बचा हुआ है हमारा, which is timber. So hopefully आज timber complete करने की कोशिश करूँगा. I'll try to finish off the timber today's class. तो start करते हैं. Start करने से पहले basic announcements हैं. A new offer is being rolled out in which you can get 6 month plus extension on subscription of 1 year and above for both. प्लस एन आइकॉनिक, तो इसका मतलब एक साल के अंदर 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट 0% EMI भी रोल आउट कर दी गई है आपके सब्सक्रिप्शन प्राइस के ऊपर. देन आइकॉनिक पे 1-to-1 मेंटरशिप भी एक्टिवेट कर दिया गया. देन योर स्पेशल क्लासेज आर मोर इंटरेक्टिव, यू कैन पार्टिसिपेट इन दी पोल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. यू कैन यूज रेज हैंड फीचर टू क्लेरिफाई योर डाउट्स. ऑल द नोटिफिकेशन रीचेस टू यू सो दैट यू नेवर मिस अ क्लास. आप लेक्चर नोट को अपने डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन अटेंड दिस क्लासेज एनीवेयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी एक्टिवेट कर दिया गया है इन विच यू कैन गेट 50% ऑफ द स्कॉलरशिप. देन एन अकेडमी PYQ भी रोल आउट हो गई है इन विच यू कैन टेक लास्ट 10 ईयर सब्जेक्ट वाइज PYQ. देन कम्युनिटी फीचर भी रोल आउट कर दिया गया है इन विच यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द एजुकेटर एंड योर फेलो लर्नर्स. आप अपने एजुकेटर और फेलो लर्नर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. एग्जैक्टली ये व्हाट्सअप और टेलीग्राम की तरह ही है. देन फॉर गेट एंड ESE 22 8 जून से नया बैच लॉन्च हुआ है. न्यू बैच इज बीइंग लॉन्च्ड. तीन सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं, सर्वेइंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. देन गेट 2022 और ESE 21 के रैंकर्स तो शोकेस कर ही दिए थे आपके सामने. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे. दीज आर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स. अब हम आते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर. तो आखिरी हमारा क्या बचा हुआ है? आखिरी हमारा बचा हुआ था BMC. सो BMC में हम बात कर रहे थे टिम्बर की. सो टिम्बर वॉज बिंग लेफ्ट आउट. तो टिम्बर की बात करते हैं. टिम्बर में भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री बता दिया था. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री के बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ ट्री बता दी थी. थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हुई हैं, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ टूडे ओनली. तो कोशिश करेंगे, 5-10 मिनट ऊपर लग जाएंगे, बट आज खत्म करने की कोशिश करते हैं. कोई सेंस बचेगा नहीं आज जितना भी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद दूसरी क्लास भी है मेरी. आई हैव अनदर क्लास आफ्टर दिस ऑल्सो. तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री हो गया था हमारा. अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर. जैसे हमें पता है कि आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल की तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, पर जो नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है उसको ऑब्टेन किया जाता है. तो टिम्बर कहाँ से मिलता है? हमें ट्री से मिलता है. तो टिम्बर के प्रोसेस के, टिम्बर के ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर. तो वो प्रोसेस जिसमें हम टिम्बर को ट्री से निकालते हैं उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर. मैन्युफैक्चरिंग ही बोलेंगे. तो टिम्बर को हमने बनाया नहीं, उसके बस प्रोसेसिंग करी है. अब उसकी प्रोसेसिंग में चार ऑपरेशंस लगे हुए हैं. देर आर 4 ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर. कौन कौन से 4 ऑपरेशन हैं? फर्स्ट फेलिंग ऑफ ट्री, दूसरा सीजनिंग ऑफ टिम्बर, तीसरा कन्वर्जन, चौथा प्रिजर्वेशन. सो दीज आर दी 4 बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व. पहला ऑपरेशन उठाया, फेलिंग ऑफ ट्री. फेलिंग ऑफ ट्री का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हम ट्री को कट करें, इसको हम बोल देते हैं फेलिंग ऑफ ट्री. सो प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन और नॉकिंग डाउन द ट्री इज नोन एज फेलिंग ऑफ ट्री. अब इसमें तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस एज में ट्री को कट करें. पहला, ट्री शुड बी कट व्हेन इट हैज अटेंड सफिशिएंट मैच्योरिटी. जब ट्री सफिशिएंटली मैच्योर हो जाए, यानी 50 से लेकर 100 साल का हो जाए. अंडर मैच्योर ट्री को कट कर दिया, आपको सैपवुड ज़्यादा मिलेगा. ओवर मैच्योर ट्री को कट कर दिया, पिथ ज़्यादा मिलेगी. दोनों की स्ट्रेंथ कम होती है, लास्ट क्लास में बताया था. नेक्स्ट, मेथड ऑफ कटिंग, किस तरीके से ट्री को कट करें. इस तरीके से ट्री को कट करें जस्ट अबव द बेस की मैक्सिमम टिम्बर मिले. नेक्स्ट, किस सीजन में कट करें. अब जिस मर्जी सीजन में कट करो, पर उस सीजन में कट करना है जब सैप रेस्ट पे हो. इसका मतलब इट शुड बी अवॉइडेड इन ऑटम एंड स्प्रिंग. तो ऑटम और स्प्रिंग में सैप की विग्रस मोशन होती है. तो हिली एरियाज में हम कटिंग करते हैं मिड समर में, प्लेन एरियाज में हम कटिंग करते हैं मिड विंटर के अंदर. तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम ट्री को कट करेंगे. तीन बातों का ध्यान रखेंगे, किस एज में कट करें, किस सीजन में कट करें और कहाँ से कट करें. दूसरा है सीजनिंग ऑफ टिम्बर. अब जब आपने ट्री को कट किया, 50% से ज़्यादा पानी है उसके अंदर, इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली इस टिम्बर को यूज ही नहीं कर सकते. तो वो प्रोसेस जिसमें हम टिम्बर के वेट को घटाएं, या वो प्रोसेस जिसमें हम इस पानी को हटाएं, इसको हम बोलते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर. क्लियर इस चीज. अभी जो पानी होता है दो जगहों पे प्रेजेंट होता है, एक सेल वॉल के अंदर और एक सेल की कैविटी के अंदर, यानी वॉइड के अंदर. वॉइड मतलब खाली जगह, सेल के अंदर जो खाली जगह. दूसरा, जो उसकी सेल वॉल्स है, दो जगह प्रेजेंट होता है ये. क्लियर है. जब आप टिम्बर की सीजनिंग करते हो, वैन यू कैरी आउट द सीजनिंग ऑफ द टिम्बर, इसमें से पानी वेपराइज करना स्टार्ट होता है. सबसे पहले कौन सा पानी जाता है? वॉइड वाला पानी जाता है. जब वॉइड वाला पानी चला जाता है और सेल वॉल वाला पानी पूरा बचा हुआ है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फाइबर सेचुरेशन पॉइंट. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फाइबर सेचुरेशन पॉइंट.
तो सेल कैविटी के अंदर जो पानी होता है वो फ्री मॉइस्चर होता है, तो जब फ्री मॉइस्चर पूरा चला जाए पर सेल वॉल वाटर यानी बाउंड मॉइस्चर अभी भी प्रेजेंट है, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। अगर आपने सीजनिंग कंटिन्यू रखी फाइबर सेचुरेशन पॉइंट के बाद भी, अब आपको श्रिंकेज मिलेगी टिम्बर के अंदर, देन यू विल बी गेटिंग द श्रिंकेज ऑफ द टिम्बर। मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालते हैं टिम्बर में, जैसे सॉइल के अंदर निकालते हैं, इनिशियल वेट निकाला, फाइनल वेट निकाला, डिवाइड कर दिया फाइनल वेट से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द टिम्बर इज फाउंड एज वी फाइंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं निकल के आती, देर इज नो इश्यू। नेक्स्ट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू सॉफ्टन द टिम्बर, टू हार्डन द टिम्बर, टू स्ट्रेंथन द टिम्बर, टू रिमूव द सैप फ्रॉम द टिम्बर। तो पर्पस क्या होता है, पानी को हटाना यानी सैप को हटाना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्ट्रेंथनिंग और सॉरी सीजनिंग करने के पर्पस क्या होते हो, तो पीछे बता दिए थे आपको, बहुत सारे पर्पस होते हैं। देर आर सेवरल रीजंस फॉर विच सीजनिंग इज बीइंग कैरिड आउट। पहले टिम्बर में पानी रहेगा आप उसको बर्न नहीं कर पाओगे फ्यूल की तरह, पानी रहेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, पानी रहेगा स्ट्रेंथ हार्डनेस स्टिफनेस कम मिलेगी, पानी रहेगा रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिके कम होगी, पानी रहेगा शेप साइज डिस्टॉर्ट हो सकती है, पानी रहेगा आप उसको इजीली शेप और साइज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे किसी भी, पानी रहेगा आप डेकोरेटिव ट्रीटमेंट नहीं अप्लाई कर पाओगे, पानी रहेगा उसके ऊपर फंगी और एल्गी अटैक कर देगी, पानी रहेगा उसकी ट्विस्टिंग वार्पिंग हो जाएगी, इट विल लीड टू द ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम सीजनिंग करते हैं। क्लियर? अब सीजनिंग करें कैसे, भैया दो तरीके हैं सीजनिंग करने के, एक है हमारे पास नेचुरल सीजनिंग, दूसरी है हमारे पास आर्टिफिशियल सीजनिंग। वन इज नेचुरल सीजनिंग, द अदर इज आर्टिफिशियल सीजनिंग। सो दो तरीकों से हम सीजनिंग कर सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब क्या है नेचुरल और आर्टिफिशियल सीजनिंग, नेचुरल सीजनिंग टाइम टेकिंग होती है, नेचुरल सीजनिंग में वो सारे फैक्टर्स जो गवर्न करते हैं वेपराइजेशन को हम उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। सो ऑल दी फैक्टर्स विच गवर्न सी वेपराइजेशन विल नॉट बी एबल टू रेगुलेट, जैसे विंड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसलिए सीजनिंग हम प्रेफर करते हैं आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल सीजनिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पहला तरीका बॉयलिंग। अब इसमें क्या करते हैं, टिम्बर को उठाया, इमर्स कर दिया पानी में जिसको हमने बॉयल किया 3-4 घंटे के लिए, बाहर निकाला और उसको ड्राई करा दिया, यानी नेचुरली सीजनिंग कराई। ऐसा करने से सीजनिंग की ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाती है, ऐसा करने से सीजनिंग की ड्यूरेशन 3 से 4 महीने तक रिड्यूस हो जाती है, पर क्योंकि आपने पानी में इमर्स किया उसको, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये तरीका अच्छा है सीजनिंग करने का जल्दी से, पर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी कम हो जाती है इसमें, दी स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी इज रिड्यूस्ड। दूसरा है केमिकल सीजनिंग। अब केमिकल सीजनिंग इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सॉल्ट सीजनिंग। इसमें क्या करते हैं, टिम्बर सेक्शन को इमर्स करते हैं ऐसे सॉल्ट के अंदर जो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ा दे, रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ा दे किसकी, इंटीरियर सरफेस की, इन कंपेरिजन टू द एक्सटीरियर सरफेस। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि इस मेथड में टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रैक कम हो जाती है। सो दिस मेथड टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक रिड्यूसेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। अब इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट आर पास थ्रू द टिम्बर सेक्शन। टिम्बर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट ऑफर्स द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर से पानी वेपराइज हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है सीजनिंग करने का, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ कैरिंग आउट सीजनिंग। नेक्स्ट इज वाटर सीजनिंग। इसमें क्या करते हैं, टिम्बर सेक्शन को कट करते हैं, उसको इमर्स करते हैं इन द स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर, फिर जब उसको स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर में इमर्स करते हो, जो सैप होता है टिम्बर के ऊपर वो रिमूव हो जाता है, और सैप को ही हटाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, द मैक्सिमम टाइम विच इज बीइंग कंज्यूम्ड इज फॉर रिमूवल ऑफ सैप ओनली। तो सैप हटा, सैप के हटने के बाद इसको नेचुरली ड्राई करते हैं, पर क्योंकि इस बार भी आपने पानी में इमर्स कर रखा है, इसकी स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका जो आर्टिफिशियल सीजनिंग का है वो है क्लीन सीजनिंग, क्योंकि इसमें वो सारे फैक्टर्स जो सीजनिंग यानी ड्राइंग को कंट्रोल करते हैं हम उसको रेगुलेट कर पाते हैं। कैसे, इसमें क्या करते हैं, क्लिंग का मतलब होता है अवन, इसमें टिम्बर सेक्शन को रखते हैं हम एयर टाइट चैम्बर के अंदर यानी अवर के अंदर, इसमें से हम सारे एयर को बाहर निकाल लेते हैं, हेयर से इंटायर वाटर इज बिंग रिमूव्ड, सारे वाटर को रिमूव करने के लिए सारी एयर रिमूव करी। फिर से रिपीट करता हूँ, क्लिन मतलब लार्ज अवन, इसमें हमने टिम्बर सेक्शन को रखा, टिम्बर सेक्शन को रखने के बाद हमने क्या किया, टिम्बर सेक्शन को रखने के बाद हमने इसके अंदर फुल्ली सेचुरेटेड सैंपल ऑफ एयर को पंप किया। फुल्ली सेचुरेटेड मतलब जिसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, जिसकी ह्यूमिडिटी है 100%, जिसकी ह्यूमिडिटी कितनी है 100%, टेम्परेचर कितना रखा 35 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस। तो फुल्ली सेचुरेटेड सैंपल ऑफ एयर क्यों यूज़ की गई, इसलिए यूज़ की गई कि हमारे टिम्बर सेक्शन में वेपराइजेशन ही नहीं हो,
तो भैया क्यों वेपराइजेशन नहीं करा रहे? क्योंकि हम पूरे टिम्बर सेक्शन का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करा रहे हैं, तो एयर सर्कुलेट करती रहती है टिम्बर सेक्शन के चारों तरफ, पर उसकी वेपराइजेशन नहीं होती है। तो एयर सर्कुलेट करती रहती है टिम्बर सेक्शन के चारों तरफ, पर उसकी वेपराइजेशन नहीं होती है। ये लो, एयर की सर्कुलेशन दिखा दी पर उसकी वेपराइजेशन नहीं हुई। अब जब टेम्परेचर यूनिफॉर्मली बढ़ जाता है पूरे टिम्बर सेक्शन का, अब हम क्या करते हैं, अब हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन घटाते हैं एयर की और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ऐसा करने से पूरे टिम्बर सेक्शन से यूनिफॉर्मली पानी वेपराइज हो जाता है। क्लियर? चलो, ये तो पूरा प्रोसेस बताई दिया। इसके अलावा खूब सारे तरीके हैं हमारे सीजिंग करने के। नेक्स्ट, क्लीन सीजिंग ऑफ द टिम्बर रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड डेंसिटी, रिड्यूस्ड लाइफ, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। रिड्यूस्ड डेंसिटी, डेंसिटी कम हो जाती है, हाँ बिल्कुल, पानी चला जाएगा तो हवा आ जाएगी और डायमेंशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी, लाइफ थोड़ी ना रिड्यूस होगी इससे, वो 1 और 3 सही है। तो पहले हमने क्या किया, ट्री को कट किया, दूसरा क्या कर दिया, उसकी सीजनिंग कर दी, तीसरा क्या, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू द टिम्बर सेक्शन इज नोन एज कन्वर्जन। तो वो प्रोसेस जिसमें हम रिक्वायर्ड शेप और साइज दें टिम्बर सेक्शन को, इसको हम कन्वर्जन बोल देते हैं। अब ये कन्वर्जन करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल, एक एक करके सबको उठाते हैं। पहला तरीका, द फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल टू कैरी आउट द कन्वर्जन इज ऑर्डनरी सोइंग, स्लैब सोइंग और फ्लैट सोइंग। अब इसमें क्या करते हैं, इट इज वन ऑफ द क्विकेस्ट, इजिएस्ट एंड चीपेस्ट मेथड अवेलेबल कैरिंग आउट द सोइंग। क्या करते हैं, बस यहाँ पे कट्स लगाते हैं टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स, दिख रहा है, ये एनुअल रिंग्स होती है हमारी। तो यहाँ पर जो कट्स लगे हुए हैं हमारे, कैसे लगे हुए हैं, टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स लगे हुए हैं। सो यर सॉ कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स, यहाँ पे हम सॉ कट्स लगाते हैं टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स, तो दिख रहे हैं, तो कट्स को लगाया टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स। इसमें टिम्बर की वेस्टेज बहुत कम होती है, तो ये एनुअल रिंग्स है, कट आपको दिख रहे हैं, कट मैं दिखा देता हूँ ब्लू कलर से, तो ये कट लगे हुए टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टिम्बर बहुत कम, सारा का सारा टिम्बर सेक्शन काम आ गया। पर क्योंकि इसमें टिम्बर सेक्शन के अंदर हार्डवुड सैफवुड दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें जो टिम्बर सेक्शन है इसमें हार्डवुड सैफवुड दोनों प्रेजेंट है, इसमें टेंडेंसी ऑफ ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग बहुत ज़्यादा निकल जाती है। तो एडवांटेज, बहुत ही सस्ता तरीका है, फास्ट तरीका है, आसान तरीका है। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ये निकल के आई कि इसमें ट्विस्टिंग और वार्पिंग की टेंडेंसी रहेगी इस मेथड से अगर टिम्बर को ऑब्टेन करोगे। नेक्स्ट ऑफ द मेथड क्या है, नेक्स्ट ऑफ द मेथड है हमारा क्वार्टर सोइंग। क्वार्टर सोइंग का मतलब क्या होता है, हेयर सॉकेट्स आर मेड एट राइट एंगल टू ईच अदर, देख रहे हैं सॉकेट्स, यहाँ पे सॉकेट्स कैसे लगाए हैं 90 डिग्री पे, तो एल शेप्ड सेक्शन मिलता है हमें यहाँ से, एल शेप्ड सेक्शन। अब एल शेप्ड सेक्शन क्या हुआ, एल शेप्ड सेक्शन हुआ तो इसका मतलब इसकी आई बहुत कम होती है फॉर अ गिवन एरिया, इसका मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ निकल के आती है इन फ्लेक्जर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बहुत कम निकल के आती है। सो दिस सेक्शन इज लाइबल टू बेंड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इससे जो सेक्शन निकल के आता है उसकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी बेंड करने की ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर, तो ये हमारी क्वार्टर सोइंग हो जाती है, दिस इज टर्म्ड एज क्वार्टर सोइंग। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल सोइंग, इसका तो नाम में लिखा हुआ है, हियर सॉकेट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स व्हिच मीट ईच अदर एट 90 डिग्री, दिख रही है एनुअल रिंग्स, यहाँ पे सॉकेट लगाए हैं टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग, पर वो आपस में कहाँ पर मिल रहे हैं, 90 डिग्री पे मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको इरेज करूँ, देखो कैसे टिम्बर पीसेस मिलेंगे, वो भी आपको शो कर रखे हैं, विच टाइप ऑफ टिम्बर सेक्शन विल बी ऑब्टेंड, दैट इज ऑल्सो बींग शोन टू यर। ये मेथड सूट करता है उस सेक्शन के लिए जिसमें डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स हो, ताकि आप कट लगा पाओ उसके टेंजेंशियल, और इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज हो, क्यों, सारी की सारी रेज कट हो जाएंगी। इस मेथड से जो टिम्बर मिलता है, क्योंकि उसमें मेडुलरी रेज नहीं है, वीकेस्ट होता है। मोर ओवर ये सूटेबल नहीं होता है फ्लोरिंग वर्क के लिए, रीजन बींग वॉट, मोर ओवर ये सूटेबल नहीं है फ्लोरिंग वर्क के लिए, रीजन बींग वॉट, इसकी हम पॉलिशिंग नहीं कर सकते, एज इट कैनॉट बी पॉलिश्ड इवनली। ये भी एक तरीका है हमारा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। क्लियर है? नोट करें,
शैल वी कंटिन्यू? नेक्स्ट, रेडियल और रिफ्ट सॉइंग. अब रेडियल और रिफ्ट सॉइंग सबसे अच्छा तरीका है सॉइंग करने का विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ. तो ये वो तरीका है सॉइंग का जिसमें कट लगाए जाते हैं रेडियल डायरेक्शन में. सो इन विच द कट्स आर मेड इन रेडियल डायरेक्शन, जिसमें हम कट्स लगाते हैं रेडियल डायरेक्शन के अंदर. अब क्योंकि कट लगाए रेडियल डायरेक्शन के अंदर, पूरी की पूरी मेडुलरी रे अवेलेबल है. इसका मतलब जो सेक्शन मिलता है यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. पर इस तरह की सोइंग में वेस्टेज मैक्सिमम होती है. वेस्टेज मैक्सिमम है, इसका मतलब कॉस्ट क्या निकल के आएगी, सबसे ज़्यादा निकल के आएगी. कॉस्ट कम्स आउट टू बी मोर. क्लियर है? चलो नेक्स्ट. तो पहले हमने ट्री को कट किया, उसकी सीजनिंग करी, फिर उसकी कन्वर्जन कर ली. सो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर बाय सोइंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस दे शुड बी कट मेड बाय. अच्छा, आपको क्या मिल रहा है? स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस चाहिए, तो रेडियल सोइंग करेंगे. क्लियर है? नाउ द लास्ट ऑफ द ऑपरेशन विच इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ द टिम्बर. लास्ट ऑपरेशन जो इन्वॉल्व है प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर के अंदर, इसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर. लास्ट ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व इज टर्म्ड एज प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर. अब मुझे टिम्बर को प्रिजर्व करना है. भैया पर्पज क्या होता है प्रिजर्वेशन का? द पर्पज ऑफ द प्रिजर्वेशन इज टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर, टू मेक द टिम्बर मोर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, टू प्रोटेक्ट द टिम्बर अगेंस्ट द अटैक ऑफ डिस्ट्रॉइंग एजेंसीज जैसे फंगई और इंसेक्ट. तो लाइफ बढ़ानी है, टिम्बर को ड्यूरेबल बढ़ाना है, और टिम्बर की रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्या करनी है? फंगाई और इंसेक्ट बढ़ानी है. तो ये पर्पस होते हैं हमारे प्रिजर्वेशन के. ये स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वर्ड डाल रखा है जो बीच. नोट कर लो फटाफट, चले. चले आगे. चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो भी प्रिजर्वेटिव आप यूज कर रहे हो, वट एवर प्रिजर्वेटिव यू आर यूजिंग शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? फर्स्ट, इट शुड अलाउ द डेकोरेटिव ट्रीटमेंट. आपका प्रिजर्वेटिव ऐसा हो कि वो डेकोरेटिव ट्रीटमेंट को परमिट करे. नेक्स्ट, इट शुड बी कैपेबल ऑफ कवरिंग लार्ज एरिया. वो कम क्वांटिटी में ज़्यादा एरिया कवर कर जाए. वो चीप हो और इजीली अवेलेबल हो. वो नॉन इन्फ्लेमेबल हो, क्योंकि फायर के भी कांटेक्ट में आएगा. इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी अनप्लेजेंट ऑर्डर. कोई अनप्लेजेंट ऑर्डर नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ अदर बिल्डिंग कॉम्पोनेंट्स. दूसरे बिल्डिंग कॉम्पोनेंट जिसके वो कॉन्टैक्ट में आएगा उसकी ड्यूरेबिलिटी पर फर्क नहीं पड़े. आसानी से पानी के साथ वॉश नहीं हो जाए. और इट शुड पेनिट्रेट डीप इनसाइड द टिम्बर सेक्शन अप टू द डेप्थ ऑफ 6 से 25 mm. तो ये प्रॉपर्टी हमारे प्रिजर्वेटिव में होनी चाहिए. अब कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हैं वो देख लेते हैं. What are the preservative available that we'll see. So which of the following with regard to the application of preservative of timber increase the lifespan. Okay, which of the following is correct? So increase the lifespan, increase the strength, removal of the moisture, preventing the growth of the timber. So ye to bata hi diya hai. Ye raha iska kaam kya hota hai? Life badhana. To life badhana, growth of fungi, ye strength pe koi farak nahi dalta. So answer comes out to be what? C. Next of the point of reference. कौन कौन से preservative हैं हमारे पास? What are the preservative available with us? अब एक एक करके उठाते हैं. कौन कौन से preservative हैं? पहला ASCU treatment. अब इसके नाम में लिखा हुआ है ASCU. Arsenic है और copper है. ASCU treatment is being done in order to increase the resistance of the timber section against white ant. तो white ant के against resistance बढ़ाने के लिए ASCU treatment की जाती है. ये होता क्या है? इसमें एक पार्ट होता है आर्सेनिक, एक पार्ट होता है कॉपर सल्फेट, और चार पार्ट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट के. इसलिए ASCU को 1:3:4 केमिकल भी बोला जाता है.
इसलिए AsCu को 1:3:4 केमिकल भी बोला जाता है. सो इट इज टर्म्ड एज 1:3:4, तो ये केमिकल भी बोला जाता है. नेक्स्ट, ये अवेलेबल होता है पाउडर फॉर्म में. इट इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म. इसको कैसे मिलाते हैं? इसका 6 पार्ट लेते हैं बाय वेट और इसको मिक्स करते हैं. 100 पार्ट बाय वेट है वाटर. तो ये पाउडर फॉर्म में इसके 6 पार्ट उठाते हैं और मिला देते हैं किसके साथ? 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ द वाटर. नेक्स्ट है हमारी सोलिग्नम पेंट. सोलिग्नम पेंट क्या? दिस ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर अगेंस्ट वाइट एंड, बट ये उसकी एस्थेटिक वैल्यू भी बढ़ाता है क्योंकि ये पेंट का भी काम कर जाता है. नेक्स्ट ऑयल पेंट. इसका काम क्या होता है? द पर्पस ऑफ द ऑयल पेंट इज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर. तो पानी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम ऑयल पेंट करते हैं. सबके घरों में लगा हुआ होता है ऑयल पेंट. क्लियर है चीज? तो 2 से 3 कोट लगाई जाती है ऑयल पेंट की. 2 to 3 coats are being applied. Next is chemical salt. ये क्या? ये हमारे waterborne preservative है, जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है durability बढ़ाना, जिनका काम होता है resistance against deforming agencies बढ़ाना. जैसे example, mercury chloride है, sodium fluoride है, copper sulfate है, zinc chloride है. तो ये हमारे chemicals हैं. These are our chemicals. अगला प्रिजर्वेटिव है कोल टार. नाम में लिखा हुआ है. तो वो प्रोसेस जिसमें हम टार को अप्लाई करें टिम्बर सेक्शन के ऊपर, इसको हम बोल देते हैं टारिंग. सो द प्रोसेस इन विच वी अप्लाई द टार ओवर द टिम्बर सरफेस इज टेक्निकली टर्म्ड एज टारिंग. क्लियर है? अब क्यों की जाती है टारिंग? टारिंग इज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर अगेंस्ट फायर. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट ऑफ व्यू पेरिड फ्रॉम दिस? इसीलिए इसकी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस एनालाइज करने के लिए हमें इसकी एस्थेटिक वैल्यू को देखना पड़ता है, क्योंकि इट मेक्स द टिम्बर अनसूटेबल फॉर पेंट. कोल्टार लगाया, काला हो जाएगा, एस्थेटिक वैल्यू बढ़ जाएगी, इसीलिए इसकी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस कम होती है. तो उसका काम तो बहुत ही अच्छा है, ये इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, पर टिम्बर देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो उसकी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस को ये घटा देता है. इट रिड्यूसेस द इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द टिम्बर सेक्शन. नेक्स्ट और सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट ऑयल. अब ये क्या है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ द टार. तो कहाँ से मिलता है? टार के डिस्टिलेशन से. वो प्रोसेस जिसमें हम क्रियोसोट ऑयल को लगाते हैं, इसको बोलते हैं क्रियोसोटिंग या बीथल्स प्रोसेस. क्रियोसोट ऑयल ऑलमोस्ट डबल्स द लाइफ ऑफ द टिम्बर, इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मिंग एजेंसीज, यानी सारे काम करके देता है आपको. तो उसको यूज करते हैं मेजर इंजीनियरिंग वर्क के लिए, जैसे पाइप्स, जैसे पोल्स, जैसे स्लीपर्स, जैसे पाइल्स. सो लाइक पाइल्स. तो ये कुछ एग्जाम्पल आ गए हमारे. चले चलो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर मेकिंग द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस? फायर रेजिस्टेंस, अच्छा पीछे नहीं बताया आपको. देखो, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर वन मोर प्रोसेस इज अवेलेबल. एक और तरीका है फायर रेजिस्टेंस बढ़ाने का, विच इज नोन एज एबल्स प्रोसेस. आगे आ जाएगा क्या? आगे नहीं है. चलो, सो एक और तरीका होता है हमारे पास टिम्बर के रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर बढ़ाने का. कैसे? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फायर यू कैन अप्लाई द सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स. आप बोरेक्स के सॉल्यूशन को भी अप्लाई कर सकते हो टिम्बर प्रोसेस के ऊपर, टिम्बर सरफेस के ऊपर. इस प्रोसेस को टेक्निकली क्या बोल देते हैं? दिस प्रोसेस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एबल्स प्रोसेस. तो इसमें हम बोरेक्स का सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं. हियर वी अप्लाई द सॉल्यूशन ऑफ द बोरेक्स. इसको वाटर ग्लास भी बोला जाता है. इन सम केस इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वाटर ग्लास. नोट कर लो, वाटर ग्लास या बोरेक्स. केमिकल क्या होता है? सोडियम सिलिकेट का केमिकल होता है.
तो उसमें सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं टिम्बर सेक्शन के ऊपर। तो सोडियम सिलिकेट बोल दो, वाटर ग्लास बोल दो, बोरेक्स बोल दो, सबका मतलब एक ही है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। चलिए अब प्रिजर्वेटिव को अप्लाई कैसे किया जाता है, हाउ द प्रिजर्वेटिव इज अप्लाइड। अब अप्लाई करने के भी खूब सारे तरीके हमारे पास, देर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव, जैसे ब्रशिंग, जैसे चारिंग, जैसे डिपिंग एंड स्वीपिंग। तो ब्रश से लगा दिया, सरफेस को चार कर दिया, डिप कर दिया प्रिजर्वेटिव के अंदर, हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट दे दी, पहले हॉट प्रिजर्वेटिव फिर कोल्ड प्रिजर्वेटिव में डाल दिया। और चौथा तरीका है बाय इंजेक्टिंग अंडर हाई प्रेशर, बाय इंजेक्टिंग अंडर हाई प्रेशर। तो आपने उसको इंजेक्ट करा दिया प्रिजर्वेटिव को। अब जो प्रिजर्वेटिव भी होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है ऑयल टाइप, दूसरा होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टाइप, तीसरा होता है वाटर सोल्यूबल टाइप। तीनों के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ऑयल टाइप का ऑयल पेंट, पेट्रोलियम पेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिजर्वेटिव बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT, पेंटा क्लोरोफिनॉल, और वाटर सोल्यूबल टाइप ASCU और जिंक क्लोराइड। तो कई बार ये भी पूछ लेगा आपसे, तो ये भी मेंशन करके दे दिया आपको। नेक्स्ट, अब कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं हमारे टिम्बर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एबल्स प्रोसेस था वो हटा दिया, ठीक है। अब कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं हमारे टिम्बर सरफेस के ऊपर। पहला बोचर्स प्रोसेस, अब ये क्या होता है, सैपवुड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ग्रीन टिम्बर विद द बार्क ऑन एंड ऑफ बॉम्बू इन ग्रीन कंडीशन सून आफ्टर द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड यूजिंग एनी ऑफ द इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल प्रिजर्वेटिव इन दिस प्रोसेस। कहने का मतलब है जितने भी फ्रेशली कट ट्री हैं उन सबका सैपवुड या बेम्बू ट्री इन ग्रीन कंडीशन, इसका मतलब आपने उसको कट नहीं किया है, उसकी भी आप प्रिजर्वेशन कर सकते हो इस प्रोसेस की मदद से। कैसे, इसमें हम इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल प्रिजर्वेटिव को यूज करते हैं। दूसरा है हमारा एम्प्टी सेल प्रोसेस, इसको प्रेशर प्रोसेस भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव को इंजेक्ट किया जाता है अंडर प्रेशर। हियर द प्रिजर्वेटिव इज इंजेक्टेड इनटू द सरफेस ऑफ द टिम्बर अंडर प्रेशर। अब ये एम्प्टी सेल प्रोसेस भी दो तरह के होते हैं, एक लॉरी प्रोसेस होता है और एक रूपिंग प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस के नाम भी पूछे हुए हैं उसने। तो अगर आपको सैपवुड और बेम्बू ट्री की करनी है प्रिजर्वेशन विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल प्रिजर्वेटिव, देन बॉचरी प्रोसेस। एम्प्टी सेल प्रोसेस फर्दर ऑफ टू टाइप, इसमें हम प्रिजर्वेटिव को अप्लाई करते हैं अंडर प्रेशर, इट इज लॉरी प्रोसेस देन ड्रूपिंग प्रोसेस। बाकी प्रिजर्वेटिव का काम क्या है वो तो पीछे बता ही दिया आपको, दैट वी हैव डिस्कस्ड। लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ गया, सो वी हैव द लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स इन टिम्बर, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिफेक्ट्स इन टिम्बर। अब कौन कौन से डिफेक्ट है टिम्बर में। दिस डिफेक्ट इन टिम्बर इज कैरेक्टराइज्ड इनटू फोर, चार कैटेगरी में डाल दिए, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्स, डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगई। पहला उठाया डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, आपने सीजनिंग गलत कर दी उस वजह से डिफेक्ट आ गया। अब जरा देख लो, ये देखने से समझ में आता है, बो कप ट्विस्ट वार क्रुक, बो बेंडिंग हुई लेंथ के लॉन्ग, इम्प्रॉपर सीजनिंग, बेंडिंग हुई विड्थ के लॉन्ग। नेक्स्ट है क्रुक, दोनों एज के बीच में लेवल का फर्क आ गया। एक ट्विस्ट, डायगनली जो पॉइंट्स हैं या जो एंगल है वो वेरी कर गए। नेक्स्ट वार्पिंग है, वार्पिंग, वार्पिंग ये आगे बना के दिखा दूंगा। नेक्स्ट है क्रुक, ये रखो, दिस इज ट्रमलेस क्रुक। तो वो है, कप है, ट्विस्ट है, क्रुक है और वार्प। वार्प नहीं दिखा रखा, वार्प को मैं शो कर देता हूँ, दिस इज ट्रमलेस वार्पिंग, इसको वार्पिंग बोला जाता है। अब डायग्राम 3D में इसको समझना पड़ेगा आपको। तो अलोंग लेंथ, अलोंग विड्थ, अलोंग हाइट, अगर ट्विस्टिंग हो जाए इसको हम वार्पिंग बोल देते हैं, दिस इज टर्मलेस वार्पिंग। नेक्स्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डिफेक्ट इज डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। डायग्राम है इसका, नहीं है डायग्राम। अब क्या है डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, कन्वर्जन के टाइम पे यानी टिम्बर को जब हम कट कर रहे थे या सॉ कर रहे थे उस समय पे डिफेक्ट आते हैं, जैसे चिप मार्क। अब चिप मार्क जब आप सॉइंग कर रहे हो सॉइंग मशीन के ऊपर, कोई पॉइंटेड पार्ट फंस जाए हमारे टिम्बर सेक्शन के अंदर तो उसके चिप्स और फाइबर्स बाहर आ जाते हैं, इसको हम बोल देते हैं चिप मार्क। डायगनल ग्रेन, डायगनल ग्रेन, जिस डायरेक्शन में आपको कट लगाना है उस डायरेक्शन में कट नहीं लगाया, तो ये टिम्बर सेक्शन है, मुझे कट लगाना था इस डायरेक्शन में, लगा दिया मैंने इस डायरेक्शन में, तो डायगनल ग्रेन। नेक्स्ट, अगर सॉइंग करते हुए कोई टूल गिर जाए हमारे टिम्बर सेक्शन के ऊपर तो एक डिप्रेशन बन जाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, टॉन ग्रेन बोल देते हैं।
दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्टोन ग्रेन। वेन, अगर आपने सोइंग के टाइम पे ओरिजिनल राउंडेड सरफेस को नहीं हटाया, अगर आपने सोइंग के टाइम पे, ये हमारा ओरिजिनल राउंडेड सरफेस है, तो आपने सोइंग के टाइम पे ओरिजिनल राउंडेड सरफेस को नहीं हटाया, इसको हम वेन बोल देते हैं, दिस इज टर्म्ड एज वेन। नेक्स्ट इज शेक्स। अब ये डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्स जैसे विंड, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये हमारे नेचुरल फोर्स होते हैं। पहला डिफेक्ट है शेक्स। शेक्स का मतलब डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स इन द टिम्बर सेक्शन, इसको हम शेक्स बोल देते हैं। ये अपने शेप के हिसाब से चलते हैं या नेचर के हिसाब से चलते हैं, कब शेक कब की तरह दिखता है, तो कब शेक रेडियल शेक, क्रैक्स डेवलप हुए रेडियल डायरेक्शन में। स्टार शेक, बार्क में डेवलप होते हैं के क्रैक, तो इसको हम स्टार शेक बोल देते हैं। हार्ट शेक, क्रैक डेवलप हुए हार्डवुड के अंदर, तो हार्ट शेक लग दिए, तो कप शेक हो गया, रेडियल शेक हो गया, स्टार शेक हो गया, हार्ट शेक हो गया। तो स्टार शेक कैसा मिला आपको, तो बार्क में साइज ज्यादा होती है क्रैक की, और जैसे जैसे अंदर आते हैं क्रैक की साइज कम होती जाती है। द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर एट द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड आर नैरोअर टूवर्ड्स द पिथ, ये बताया था अभी, स्टार शेक्स, तो इसको हम टेक्निकली स्टार शेक बोलते हैं, तो टेक्निकली डिस्टर्ब्ड है स्टार शेक। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट इज ट्विस्टेड फाइबर। क्या ट्विस्टेड फाइबर, व्हेन अ यंग ट्री इज सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग मोशन ड्यू टू द एक्शन ऑफ द विंड, जब ट्री यंग है और उसके ऊपर ट्विस्टिंग एक्शन लगा किसका, विंड का, इट लीड्स टू द ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर्स इन इट, इसको हम ट्विस्टेड फाइबर बोल देते हैं। अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से टिम्बर सेक्शन डिके हो जाए, उसके कलर ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट्स बन जाए, इसको हम बोल देते हैं ट्रक्सीनेस। अगर हमारे ट्री की ब्रांच गिर जाए, जिस पोर्शन से वो गिर जाती है वहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्लैक कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं या नॉट बन जाती है, नॉट मतलब गांठ बन जाती है, इसको हम बोलते हैं नॉट। तो अगर ट्री की ब्रांच गिर जाए, जिस पोर्शन से वो गिरती है वहां पे टाइम के साथ एक नॉट बन जाती है यानी गांठ बन जाती है, जो हमारे टिम्बर सेक्शन की होमोजेनिटी घटा देती है, इसको हम बोल देते हैं नॉट, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज नॉट। नॉट इन अ ट्री डिफेक्ट अफेक्ट्स द कंटिन्यूटी ऑफ द फाइबर, सही बात है। नेल नॉट डू नॉट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर, सही बात है। ट्रक्सीनेस ऑफ द वुड इज नॉट अ डिफेक्ट, गलत बात है। टॉल ट्री विद ट्विस्टेड फाइबर गिव गुड टिम्बर फॉर पोल्स, सही बात है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, नॉट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, खूब तरह की नॉट्स होती है, लूज नॉट होती है, डिकेड नॉट होती है, टाइट नॉट होती है, डेड नॉट होती है, राउंड नॉट होती है, लाइव नॉट होती है। वो नॉट जिसकी भी डेवलपमेंट चल रही है उसे लाइव नॉट बोल देते हैं। पिक्चर बनी हुई है देख लो, ये लूज नॉट है, टाइट नॉट है, लाइव नॉट है, डेड नॉट है। नेक्स्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डिफेक्ट इज टर्म्ड एज डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई। तो अगली जो कैटेगरी है हमारे पास डिफेक्ट की, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई। अब फंगाई टिम्बर के ऊपर कब अटैक करती है, दो कंडीशन में, व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द टिम्बर इज मोर देन 20%, व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वार्मथ अराउंड द टिम्बर। तो फंगाई तभी अटैक करेगी हमारे टिम्बर सेक्शन के ऊपर जब मॉइस्चर कंटेंट 20 से ज्यादा हो और हमेशा एयर और वार्मथ प्रेजेंट हो अराउंड द टिम्बर सेक्शन। अब कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, ब्लू स्टेन, सैप स्टेन। कुछ फंगाई ऐसी होती है जो फीड करती है सैपवुड के ऊपर और उसकी वजह से हमारे सैपवुड का कलर हो जाता है ब्लू, इसको हम नाम दे देते हैं सैप स्टेन और ब्लू स्टेन। कुछ फंगाई हमारे फीड करती है किसके ऊपर, कुछ फंगाई फीड करती है हमारे टिम्बर सेक्शन के ऊपर जिसकी वजह से हमारे टिम्बर सेक्शन का कलर हो जाता है ब्राउन, इसको हम बोल देते हैं ब्राउन रॉट। नेक्स्ट, देर आर सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई जो अटैक करती है हमारे टिम्बर सेक्शन के लिग्निन के ऊपर यानी फाइबर के ऊपर, जिसकी वजह से अवर टिम्बर सेक्शन अज्यूम्स वाइट कलर, इसको हम बोल देते हैं वाइट रॉट।
अगर हमारे ट्री की ब्रांच गिर जाए, इट एक्सपोज दी हार्टवुड टू दी एटमोसफियर। अगर हमारी फंगई हार्टवुड को खा जाए, इसको हम बोल देते हैं हार्ट रॉट। कुछ फंगई ऐसी होती है जो हमारे टिम्बर सेक्शन को कन्वर्ट कर देती है ड्राई पाउडर फॉर्म में, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं ड्राई रॉट। कुछ फंगई ऐसी होती है विच कैरीज आउट दी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ द टिम्बर, जिसकी वजह से इट अज्यूम्स दी ग्रेइश कलर, इस डिफेक्ट को हम बोल देते हैं वेट कलर, वेट रॉट। तो वेट रॉट ड्राई रॉट साथ में आते हैं, देन हार्ट रॉट ब्लू स्टेन या सेफ स्टेन साथ में आते हैं, वाइट रॉट और ब्राउन रॉट ये भी साथ में आते हैं, दे ऑल्सो कम्स पैरेलली। क्लियर? चले अच्छा, ये तो डिफेक्ट हो गए सारे। डिटीरियोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टिम्बर ड्यू टू ड्राई रॉट इज, डिटीरियोरेशन इज कॉज बाय द फंगाई, ड्यू टू ड्राई स्पेल आफ्टर हैवी रेन, सही बात है, ड्यू टू अटैक ऑफ टर्माइट, गलत बात है, इंडिकेटेड बाय द सरफेस स्ट्रिप्स ऑन द स्क्लैंटिंग्स, गलत बात है। सो आंसर इज 1 एंड 2, आंसर हमारा 1 एंड 2। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, क्लियर है? चले, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इंडस्ट्रियल टिम्बर। अब इंडस्ट्रियल टिम्बर क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल टिम्बर अवेलेबल इज वीनर। अब वीनर क्या होती है? दीज आर थिन शीट्स और स्लाइस ऑफ द वुड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, जिनकी थिकनेस होती है 0.4 से लेकर 6 mm के बीच में। दे आर यूज टू प्रोड्यूस द प्लाईवुड, बैटन बोर्ड और लेमन बोर्ड। क्लियर है चीज? चलें आगे। नेक्स्ट, अब प्लाईवुड क्या होता है? दीज आर द बोर्ड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द थिन लेयर्स ऑफ द वुड और वीनर्स। प्लाईवुड वीनर की मदद से बनता है, इट्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द वीनर। नेक्स्ट, थ्री और मोर वीनर्स आर प्लेस वन ओवर ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो एक वीनर लगाया, दूसरा 90 डिग्री पे लगाया, फिर 90 डिग्री पे लगाया, ऐसे करने से फायदा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्लियर है चीज? चले आगे। नेक्स्ट, द एडवांटेज इन यूजिंग प्लाईवुड इज दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यही था फायदा प्लाईवुड का, दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेंथ क्या निकल के आती है? ज्यादा आती है। नाइदर ऑफ द केस, सो देयर थ्री और मोर वीनर्स आर प्लेस्ड वन ईच अदर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ये स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आती है, सो स्ट्रेंथ कम्स आउट टू बी मोर। क्लियर चीज? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल टिम्बर इज फाइबर बोर्ड। अभी फाइबर बोर्ड क्या है? दिस फाइबर बोर्ड्स आर द रिजिड बोर्ड्स। जो फाइबर बोर्ड होते हैं हमारे, रिजिड बोर्ड होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रेस्ड और रिकंस्ट्रक्टेड वुड। इनकी थिकनेस होती है 3 से 12 mm के बीच में, लेंथ होती है 3 से 4.5 मीटर के बीच में, विड्थ होती है 1.2 से लेकर 1.8 मीटर के बीच में। नेक्स्ट हमारा इम्पैक्ट टिम्बर। टिम्बर विच इज फुल्ली और पार्टली कवर्ड विद द रेजिन इज नोन एज इम्पैक्ट टिम्बर। क्लियर है चीज? The usual resin employed in this case is phenol formaldehyde, which is soluble in water. जो soluble होता है हमारे पानी के अंदर। Next is our compact timber. अब compact timber क्या होती है? The process of preparing the compact timber is same as that of impact timber, except curing is carried out under pressure. इसमें curing भी की जाती है under pressure, और strength और durability इसकी ज़्यादा निकल के आती है। The strength and durability comes out to be comparatively more. ये हमारा होता है हमारा compact timber. So this type of timber is technically termed as compact timber. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टिम्बर। क्या है भैया? द स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इंक्रीजेज बाय क्लीन सीजनिंग। अच्छा ठीक है। कटिंग ऑफ द वुड इज टू बी डन प्रायर ट्रीटमेंट। ठीक है। वाटर सीजनिंग इज गुड फॉर प्रिवेंशन वार्पिंग। वाटर सीजनिंग इज गुड फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ वार्पिंग, इनहेंसेज द स्ट्रेंथ ऑफ द वुड। नहीं भैया, नहीं बढ़ाता।
स्ट्रेंथ ऑफ द वुड, तो फोर तो वैसे ही गलत हो गया, कटिंग ऑफ द वुड दूसरा ऑप्शन सही है, वाटर सीजिंग इज गुड फॉर प्रिवेंटिंग द वार्पिंग ऑफ द, ये भी सही है, स्ट्रेंथ ऑफ द टेम्पर इंक्रीजेस बाय, सो सेकेंड और थर्ड कोई ऑप्शन है नहीं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा ये है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कम्स आउट टू बी ए, बाकी पहला ऑप्शन भी सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो दिस कम्प्लीट्स योर इंटायर बिल्डिंग मटीरियल, नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद द इरीगेशन, इसके बाद हम इरीगेशन स्टार्ट कर देंगे. चलिए, थैंक यू एवरीवन.